हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ोहरास फूड ट्रक। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कोरमा। वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने लिया है 1 kg चिकन। हमने लिया है 4 अनियंस, इसमें 15 ग्रीन चिल्ली का मैंने पेस्ट बना लिया है। अनियंस में 15 ग्रीन चिल्ली डालकर पेस्ट बनाया है। 30 काजू है, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून कर्ड है, और लेस देन हाफ जो है ये ड्राई कोकोनट है। आप वेट चाहिए तो वेट भी यूज कर सकते हैं। 2 तेज पत्ते है, 1 टीस्पून जीरा है, ये दगड़ फूल है, 5 लौंग है, 5 इलायची है, 10 ब्लैक पेपर है और 5 व्हाइट पेपर है। आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक फूल है और एक बड़ी इलायची। सबसे पहले पैन में 5 टेबल स्पून ऑयल को हीट कर ले। ये मैंने राई का तेल लिया हुआ है, आपके पास जो ऑयल है वो आप यूज कर सकते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे अखे गरम मसाले हैं वो हम डाल देंगे। गरम मसाले थोड़े से पक जाए उसके बाद हम सबसे पहले अनियन का पेस्ट डालेंगे। मसाला अच्छे से भून जाने के बाद में मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया है। मसाले को मुझे भूनने के लिए 10 से 15 मिनट लगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने मसाले भूने थे। अब ये लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चिकन डाल के 10-15 मिनट इसको भी भून लेंगे। अभी इसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया है लो टू मीडियम फ्लेम में और इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें कोकोनट पेस्ट और दही का पेस्ट भी डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको और भून लेंगे। कोकोनट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। कोकोनट का सिर्फ जो दूध आता है, अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है तो आप कोकोनट का सिर्फ दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी इसलिए हम कोकोनट भी डाल रहे थे। अभी इसको 5 मिनट तक लो टू हाई फ्लेम में हम भून लेंगे। तेल रिलीज हो गया है अभी इसका। अब इसके बाद जो हमारे पास काजू का पेस्ट है वो सबसे लास्ट में डालेंगे, अदरवाइज ये काजू जो है नीचे जलने लगता है। और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। और ये मैं आपको बोलना भूल गई थी, ये 2 टीस्पून गरम मसाला है, इसको भी डाल देंगे। और फिर आपको जितना पानी डालना है, जो भी कंसिस्टेंसी की आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालकर 15 मिनट तक और पका लें। ये देखिए, 20 मिनट चिकन पकने के बाद में हमारा चिकन रेडी हो गया है। अभी इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से इसमें से ऑयल वगैरह रिलीज हो गया है। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा रनी भी नहीं है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वाइट चिकन कोरमा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे चावल रोटी के साथ में, नान के साथ में सर्व कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट आपको फ्राइड राइस यानी जीरा राइस के साथ मिलेगा। जीरा राइस की रेसिपी मैंने डाल दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।